सबसे पहला अपने घर से शुरुआत कीजिए। हमारे घर में कितने लाख बुराइयाँ और रूढ़िवादियाँ चली आ रही, मूर्तियों को बाहर फेंक दीजिए। अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपने बेटे से शुरुआत कीजिए। आप ये मत सोचिए लाखों अनुयायी कोई नहीं आएगा, आप अपने बच्चे से, बेटे से खुद से तैयार हो जाइए। देखना आने वाले 10, 15, 20, 50 साल के बाद में आने वाला हर बहुजन हमारा समाज पैदा होगा, वो इनको, इस मनुवादियों को ठोकर मारेगा। हम इनके संस्कारों पर बिल्कुल नहीं मान, हमने कभी हिंसा, हम सिर्फ दया को मानते हैं, हम अहिंसा में भरोसा करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए हम शांत रहते हैं। ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा, इंसानियत हमारा धर्म है, तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। संविधान में कोई कमी नहीं है, बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब ने संविधान तैयार करके इस देश को समर्पित किया था तो उन्होंने कहा था संविधान डिपेंड करेगा कि वहाँ की सरकारें उसको कैसे चलाती हैं, अगर वो चलाने वाले शासक अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, अगर आप संविधान को चलाने वाले नकारा होंगे तो संविधान जो है असफल हो जाएगा। आज के माहौल में आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महिलाओं पर, आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या हमने, हम 70 साल में 72 साल में क्या हमने संविधान को फॉलो किया? अगर सच्चाई से आप कहेंगे तो क्या हमने संविधान को अच्छे, जो भी सरकारें आई क्या उन्होंने अच्छे से फॉलो किया? तो मैं कहूँगा नहीं किया। नारी के लिए हमारे पास हमने इतने कानून बना दिए, आज भी हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, आज भी घर से बाहर निकलती है उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो गई है। संविधान में कोई कमियां नहीं है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है अगर उसके हिसाब से हम कानून बनाएं, उसको फॉलो करें, तो आने वाले समय में ऐसा कोई शख्स नहीं जो एक बार अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं ये अपराध कर तो रहा हूँ, पर इस संविधान से उसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसके रूहें कांप उठेंगी। लेकिन आज के समय में हम सबसे बड़ी, हम किसी पे कह रहे हैं सरकार, लेकिन सरकारों ने आज तक हमारे संविधान को अच्छे से फॉलो नहीं किया, कानून को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। जहाँ पे एक दलितों की महिलाएं, बच्चियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अब देखिए दूसरा, जो मैं किसी ग्रुप से नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो दूसरे समाज की कुछ महिलाओं के साथ गलत होता है, मैं कहता हूँ गलत होता है तो गलत है, महिलाओं के साथ अत्याचार गलत है, लेकिन उसमें भेदभाव क्यों? हमारे समाज की दलितों की, बहुजनों की, माँ बेटियों को जलाया जाता है, उसमें भेदभाव क्यों? वो हमारे सबके लिए न्याय सम्मान क्यों नहीं? इसी बात के लेकर के आप कहेंगे कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को बदलने की बातें वो करते हैं जो मनुवाद को मानने वाले, जो पाखंडवाद को मानने वाले, संविधान को बदलने की बातें वो क्या करते हैं? बाबा साहब का संविधान ऐसा है, अगर उसको अच्छे से आपने फॉलो कर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जो बाबा साहब ने रात रात भर जग जग के उसको तैयार किया था, जब जाके दो साल ग्यारह मास 18 दिन में जा करके हमारा संविधान शुरू जब तैयार हुआ था, जब बाबा साहब पंखे से अपना पैर बांध के रखते थे, पूरी रात वो संविधान लिखा करते थे। इस संविधान के बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, संविधान जलाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। ये मनुवादी ताकतें अपने तरफ पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन एक तरफ हमारा संविधान है, संविधानवाद, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम हिंसा में भरोसा नहीं करते, हम मनुवाद को भी नहीं मानते हैं। हमारे बाप ने हमको संविधान दिया, हमारे बाप ने इन मनुवादियों को भी अधिकार दिया, इन मनुवादियों ने हमको क्या दिया? हमारे गले में आंडी बांध दी, हमारे पीछे झाड़ू लगा दिया, इन्होंने हमारा हर जगह पे शोषण किया, हमारी माता बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार तक नहीं दिया गया, लेकिन हमारे बाबा साहब जब आए तो इन सब की धज्जियाँ उखेड़ के रख दी। बाबा साहब जब आए एक ऐसा संविधान लेकर के आए, जब सारा इनका तंत्र खत्म हो गया, इनको जलन लगने लगी, आज हमारा संविधान, हमारा बहुजन जाग रहा है, मेरा समाज जाग रहा है, वो पढ़ रहा है, हमारे को कहीं मीडिया में नहीं दिखाया जाता, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, न्यूज़ में पे देखेंगे आप, अनाप शनाप खबरें चल रही हैं, हमारे बारे में किसी को नहीं पता चल रहा है। रात की बात देखिए, 26 अलीपुर रोड पे आप लोगों ने ताला लगा दिया, अरे हम कौन से लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं, आपने अलीपुर बाबा साहब के स्थान को आपने बंद कर दिया। आप मकान बंद कर सकते हो, दुकान बंद कर सकते हो, स्मारक बंद कर सकते हो, हमारे दिल की आवाज़ को कभी बंद नहीं कर सकते आप कभी बंद नहीं कर पाओगे। ये हमारे दिलों में जो संचार है, ये आने वाली यंग जनरेशन, आपको देख लेना चेंज जरूर आएगा। शोषण लंबे समय तक नहीं चला करते हैं, चलते हैं शोषण कुछ समय तक, जब आपकी सरकारें रहेंगी शोषण करते रहेंगे, लेकिन उतने शेर भी पैदा होते रहेंगे। ज्योतिबा फुले को आपने पढ़ने के लिए मजबूर किया, उनके साथ जगह जगह पे आपने गाली गलौज किया, उनको आप शादियों में ले जाके उनको अपमानित किया गया। महात्मा फुले राष्ट्रपिता हैं, वो उनको राष्ट्रपिता का दर्जा आज तक आपने नहीं दिया, लेकिन हम तो अपने दिल से उनको राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं। शिवाजी महाराज का आपने तिलक नहीं होने दिया, आपने पैर से तिलक करवाया, क्योंकि आप कहते हो कि शूद्र हैं,
शूद्र को क्या अधिकार नहीं है, वो इंसान नहीं है, लेकिन आपका मनुवाद, आपका मनुस्मृति आपके अपने घर तक रखिए। अब संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। अगर आप देश में संविधान से छेड़खानी करोगे, आने वाले बच्चे, हमारे बहुजन बच्चे जिस दिन समझ गए, आपको दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, आपको वापस अपने यूरेशिया भेज देंगे, बता रहे हैं आपको। इसके बाद में हमारे साहू जी महाराज आए, बाबा साहब को लंदन भेजा, बाबा साहब के जितनी शिक्षा किसी को नहीं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है विदेश, और हमारे यहाँ समारोह को पे ताले लगाते हो। हद है आपकी मानसिकता की, कितनी बुराई की जाए। आपके जितना गिरना था आप गिर गए, लेकिन आप कभी नहीं रोक पाओगे। हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, और इस संविधान की अलग जगाते रहेंगे। और इसकी दोस्तों, मैं सिर्फ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सिर्फ एक आपसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहला अपने घर से शुरुआत कीजिए। हमारे घर में कितने लाख बुराइयाँ और रूढ़िवादियाँ चली आ रही हैं, मूर्तियों को बाहर फेंक दीजिए। अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपने बेटे से शुरुआत कीजिए। आप ये मत सोचिए लाखों अनुयायी कोई नहीं आएगा, आप अपने बच्चे से, बेटे से, खुद से तैयार हो जाइए। देखना आने वाले 10, 15, 20, 50 साल के बाद में आने वाला हर बहुजन हमारा समाज पैदा होगा, वो इनको, इस मनुवादियों को ठोकर मारेगा। हम इनके संस्कारों पर बिल्कुल नहीं मान, हमने कभी हिंसा, हम सिर्फ दया को मानते हैं, हम हिंसा में भरोसा करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए हम शांत रहते हैं। ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा, इंसानियत हमारा धर्म है। तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, दूसरी जगह आपको जात के नाम पे लड़ाते हैं, आप हर जगह हमारे साथ भेदभाव करते हो, आप जहाँ देखो हमारे साथ भेदभाव करते हो। आपने शिक्षा में देख लीजिए, मैं सरकारों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आपने हमें उस लेवल पे ला के छोड़ रहे हो जहाँ पर हमको वापस आप मनुवाद के ले जाओ, आप दलित बनाओ, दलित से महादलित, दलित से महादलित, आप हमें फिर से मनुवादी ताकतोगे। इतना पावर नहीं है आप में, आप हमें नीच गुलाम नहीं बना सकते। एक ना एक दिन हमारा समाज जागेगा, और ये बहुजन समाज जिस दिन इस देश का रक्षक बन गया, शासक बन गया, इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।